सामान्य ज्ञान यह है कि पुरुष व्यवसाय की दुनिया में सफल होते हैं और महिलाओं को अधिक सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। व्यापार के मामले बहुत उलझे हुए हैं, लेकिन विश्व स्तर पर कई महिलाओं ने इस विचार को गलत साबित किया है। भारत की इन कारोबारी महिलाओं ने इसका प्रदर्शन किया है। इसके बारे में अधिक जानकारी यहां देखेंगे। इंदिरा नुई एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी और व्यावसायिक कार्यकारी हैं। वह पेप्सिको की पूर्व और सबसे प्रसिद्ध सीईओ हैं। वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय व्यवसायियों में से एक हैं। 2008 में नुई को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था। 2009 में ब्रैंडन वुड इंटरनेशनल को टॉप गन सीईओ नामित किया गया था। 2013 में नुई को राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। नुई द्वारा 168.92 करोड़ भुगतान प्राप्त करना 1994 में नुई कॉरपोरेट रणनीति विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में पेप्सिको में शामिल हुई। कुछ ही वर्षों के भीतर उनके कौशल और दृढ़ संकल्प ने उन्हें कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद दिलाया। वंदना लूथरा सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध भारतीय व्यापारियों में से एक हैं। वह VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड के संस्थापक और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर और बोर्ड की अध्यक्ष हैं। उन्हें पहली बार 2014 में इस क्षेत्र का अध्यक्ष नामित किया गया था। सौंदर्य उद्योग को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना भारत सरकार का एक कार्य है। VLCC देश में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य और कल्याण सेवा उद्योगों में से एक है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, GCC क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका के 13 देशों के 153 शहरों में इसका संचालन 326 स्थानों पर है। उद्योग में 4000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें चिकित्सा पेशेवर, पोषण सलाहकार, फिजियोथेरेपिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और सौंदर्य पेशेवर शामिल हैं। उन्हें 1300 करोड़ रुपए वेतन मिलता है। राधिका अग्रवाल एक लोकप्रिय उद्यमी और ऑनलाइन मार्केटप्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वह यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी सफलता की कहानी स्टार्टअप उद्यमी के लिए काफ़ी प्रेरणात्मक है। 1999 में वह MBA करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और 2001 में गोल्डमैन सैक्स में शामिल हो गईं। उन्हें 88 लाख रुपए वेतन मिलता है। एक साल के भीतर वह सिएटल में मुख्यालय वाले अमेरिकी चेन डिपार्टमेंट स्टोर नॉर्थस्टॉर्म में चली गई। इसमें राधिका ने सीखने के तौर पे एक काम किया, क्योंकि उसने खुद को रणनीतिक योजना में पाया। वह ग्राहक सेवा के साथ कंपनी के कौशल के लिए श्रेय देती हैं। वाणी कोला एक लोकप्रिय भारतीय उद्यम पूंजीपति और उद्यमी हैं। वह कलाकारी के संस्थापक और CEO हैं। कैपिटल एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो बैंगलोर भारत में स्थित है। वाणी पहले अमेरिका में सिलिकॉन वैली में एक सफल व्यवसायी थी। वह उभरते उद्यमियों को सलाह देने में शामिल हैं और मुख्य रूप से भारत में प्रौद्योगिकी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कोलारा की कलारी कैपिटल ने भारत में ई कॉमर्स, मोबाइल सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं में 50 से अधिक कंपनियों को वित्त पोषित किया है। उन्होंने लगभग $650 मिलियन जुटाए और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट सहित 60 से अधिक स्टार्टअप की मालकिन है। आज इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसमें महिलाएं खुद शामिल हैं, और आज हर मोर्चे पर महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी हुई है। इससे ये साबित होता है कि पुरुषों से महिलाएं कम नहीं हैं।